सेफी के पदाधिकारियों ने चेयरमैन नरेंद्र बंछोर के नेतृत्व में इस्पात सचिव एनएन सिन्हा, संयुक्त सचिव इस्पात अभिजीत नरेंद्र आदि से उद्योग भवन नई दिल्ली में विस्तृत चर्चा की, जिसमें मुख्य तौर पर सेल अधिकारियों को 11 माह के पर्क्स एरियर्स का भुगतान, RINL के अधिकारियों के पिछले वर्षों से लंबित प्रमोशन को शीघ्र चालू करना आदि प्रमुख विषय रहे। सेफी ने 4 अप्रैल 2021 को आयोजित सेफी काउंसिल की बैठक में इस्पात क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के रणनीतिक विलय के लिए संकल्प पारित किया था, जिससे सेफी से संबद्ध इस्पात मंत्रालय के अधीन उपक्रम सेल, RINL, नगरनाल इस्पात संयंत्र, NMDC मेकान आदि का रणनीतिक विलय कर इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत एक मेगा स्टील PSU का गठन किया जा सके। सेफी चेयरमैन नरेंद्र बंछोर ने बताया कि इस्पात मंत्रालय को सेफी के रणनीतिक विलय के सुझाव पर विचार करना चाहिए। यदि सेल, RINL व नगरनाथ इस्पात संयंत्र तथा FSNL को एक मेगा कंपनी बनाया जाता है, तो इस कंपनी के पास उन्नत इस्पात संयंत्र तथा प्रचुर मात्रा में आयरन, अयस्क और निर्यात के लिए स्वयं का पोर्ट उपलब्ध रहेगा, जिससे यह राष्ट्र के लिए अत्यंत ही लाभकारी होगा। इस संबंध में सेफी चेयरमैन नरेंद्र बंछोर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। नमस्कार, दिल्ली हम लोग का सेफी का प्रतिनिधिमंडल कुछ लंबित मुद्दों को लेकर और एक साझी उपक्रमों में जो हमारे इस्पात के साझी उपक्रम उनमें जो समस्याएं हैं उनको लेकर दिल्ली गया था। और दिल्ली में इस्पात राज्य मंत्री, इस्पात सचिव, इस्पात मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी स्टील और सेल मैनेजमेंट से कुछ मुद्दों पर गहन चर्चा हुई है। और उसमें जो इस्पात सचिव से जो मुख्य चर्चा हुई, उसमें विषय जो आज आप सब जानते हैं कि विनिवेश को लेकर सरकार, केंद्र सरकार ने कदम बढ़ाया था और RINL, नगरनार इस्पात संयंत्र NMDC का जो है और FSNL, इनका विनिवेश के लिए नीति आयोग ने जो सुझाव दिए उस पर सरकार ने, मंत्रालय ने काम आगे बढ़ा दिया था। तो उसको लेकर हम लोग ने चर्चा की, क्योंकि सेफी ने 4 अप्रैल 2021 को एक रेजोल्यूशन पास किया था, संकल्प पारित किया था कि आज की स्थिति में जो वर्तमान परिवेश है जिसमें इस्पात उद्योग काफ़ी आगे बढ़ रहा है, हम सबको, जितने भी हमारे देश के सार्वजनिक उपक्रम हैं, सेल, RINL, मेकॉन, नगरनार इस्पात संयंत्र, इसका संविलन करना, इस पर राजनीतिक हमारे एक रणनीतिक विलय की ओर अग्रसर करना ही सबसे अच्छा उद्देश्य हो सकता है। एक मेगा स्टील प्लांट बन सकता है और जो देश की रिक्वायरमेंट है, देश को एक अच्छा इस्पात, सस्ता इस्पात देने के लिए हम लोग प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि अगर प्राइवेटाइजेशन होता है इन सबका, तो ये भी एक हो सकता है कि स्टील का रेट काफ़ी आगे बढ़ जाए, जो हमारे जनसामान्य से दूर हो जाए, उसको छूना, स्टील को छूना। तो हम लोग चाहते थे कि सरकार एक मेगा स्टील प्रोजेक्ट पर विचार करें कि मेगा स्टील PSU का निर्माण हो, जिसके कारण आने वाले समय में जितने भी PSU हैं उनको मिलाकर एक मेगा PSU बनाया जाए और सब एक दूसरे के पूरक भी हैं। यह भी इस्पात सचिव को बताया गया कि देखिए, RINL जब चालू किया गया आज से करीब 35 साल पहले 40 साल पहले, तो उस समय बहुत अच्छा परफॉर्मेंस RINL का रहा, लेकिन जैसे जैसे आयरन ओर का रेट बढ़ा, क्योंकि RINL के पास आयरन ओर की माइंस नहीं है। RINL विशाखापट्टनम स्टील प्लांट बहुत अच्छा स्टील प्लांट है, उसको उसका जो भी लेआउट है, जो ज़मीन मिली है उसको, जितना प्लांट की बसावट हुई है उसमें और एक्सपांशन भी किया जा सकता है। तो आज वो 7.3 मिलियन टन का प्लांट है, उसके पास एक ही परेशानी है कि उसके पास आज आयरन ओर नहीं है और आयरन ओर खरीदने के कारण वो प्रॉफिट से थोड़ा दूर हो जाता है। तो एक प्रश्न सबके सामने था, तो वो उसके लिए हम लोग विचार करना चाहिए कि मुनिसिपल विनिवेश करके उसका फ़ायदा नहीं हो सकता। और आज 7.53 की जगह उसको 4 MT में चलाया जा रहा है, मतलब संसाधन है वहाँ, मानव संसाधन भी है, मतलब वुमेन मैन पावर भी काफ़ी है, और लेकिन रॉ मटेरियल की कमी के कारण उस प्लांट को कम में चलाना भी राष्ट्र के लिए एक नुकसानदायक है, क्योंकि यह राष्ट्र की संपत्ति है और उसको उसका पूरा कर्मचारी अधिकारियों के हितों की रक्षा भी होगी। एक जो एक परिदृश्य है, जो पब्लिक सेक्टर है उसका जो कंसेप्ट होता है कि पब्लिक सेक्टर जब स्थापित होता है उसके आसपास की कॉलोनियाँ डेवलप करती हैं, एक सोसाइटी डेवलप करती है, और जितने भी इस्पात क्षेत्र के उपक्रम है वहाँ पे आप देखें इस्पात नगरी बहुत अच्छी होती है, अच्छा उसमें एक सिस्टम रहता है। तो उस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए इसको पब्लिक सेक्टर में बने रहना बहुत आवश्यक है। खाली जो
एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक सिंगल एंडेड होना चाहिए और इस्पात मंत्रालय का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। तो ये सर हम लोग का विश्वास था, यही हम लोग ने उनसे अनुरोध किया। हमारे साथ जीवी नरसिंह जीवी थे जो वहाँ के राज्यसभा के सांसद थे उस क्षेत्र के, और साथ ही हमारे जनरल सेक्रेटरी महासचिव सेफी के अवकाश मलिक, और आरएनएल के हमारे वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन के एसीए के सीएसएस काताम, और वहाँ के जनरल सेक्रेटरी के बी जी प्रसाद थे। और इस पर वहाँ भी चर्चा हुई, उसके अलावा भी जहाँ जहाँ हम लोग गए हमारे जो भी सांसद इस पास क्षेत्रों में उनसे भी इस पर चर्चा हुई है, और इस पर प्रयास हमारा जारी रहेगा। हम आरएनएल का और नगरना इस्पात संयंत्र को हम बेचते हैं या एफएसएनएल को हम विनिवेश करते हैं, तो उसके बदले आप सेल को दूसरा एक टारगेट दिया गया है कि सेल अपना एक्सपांशन करे, सेल अपनी कैपेसिटी बढ़ाए। जो हमारी वर्तमान में कैपेसिटी है उसको बढ़ाकर 35 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य दिया गया है, और 1,10,000 करोड़ का हमको इसमें खर्च करना है। तो इसमें से कुछ पैसा हम आरएनएल और नगरनार को मर्ज करके उसमें लगा सकते हैं, सरकार अगर इसमें हम लोग को अनुमति दे तो इसका जो उत्पादन है वो सेल के साथ जुड़ने से डेफिनेटली बढ़ेगा, सरकार उत्पादन लक्ष्य बहुत ही जल्दी हासिल होगा, और दोनों प्लांट जो आज परफॉर्म नहीं कर रही है बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो ये एक अच्छा समाधान है। और इसके लिए हम लोग ने इस बात सचिव को अपना ज्ञापन दिया, प्रधानमंत्री कार्यालय में भी दिया है ज्ञापन, और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर शीघ्र अतिशीघ्र अच्छा निर्णय लेगी जो सबके पक्ष में होगा, राष्ट्र धर्म के पक्ष में होगा। सेफी पदाधिकारियों ने इस्पात सचिव एनएन सिन्हा, संयुक्त सचिव इस्पात अभिजीत नरेंद्र से चर्चा की। इस्पात सचिव के सभागार में इस्पात सचिव एनएन सिन्हा से इस्पात अधिकारियों के लंबित मुद्दों पर चर्चा के दौरान राज्यसभा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव, सेफी चेयरमैन नरेंद्र कुमार बंचोर, सेफी महासचिव अवकाश मलिक, अध्यक्ष एसईए एसएस कताम एवं सेफी सह सचिव केवीडी प्रसाद उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।